ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स वर्सेस बांग्लादेश वुमेन्स के बीच खेला गया आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच नंबर 25, जहां पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम की लगातार ये सातवीं जीत है। कोई भी टीम इन्हें लीग स्टेज के मुकाबले में रोकने में नाकामयाब रही। आप सभी को बताएं कि चाहे कितनी बड़ी भी टीम इनसे टकराई हो, और साउथ अफ्रीका जैसी टीम की बात करें, इंडिया जैसी टीम की बात करें, सबको इन्होंने हार का स्वाद चखाया। और इसी फहरिस्त में अब बांग्लादेश का भी नाम जुड़ चुका है। 7 में से 7 मैच जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने लीग स्टेज के मुकाबले में, और सेमीफाइनल में पहुंची है बड़ी ही शान से। मतलब एक भी मैच नहीं हारी है। अब सारे मुकाबले इनके लिए नॉकआउट मुकाबले होंगे, और फाइनल की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही है इस बार ट्रॉफी के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम ने इस मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ बरसात भी हुई, मैदान पर ओवरकास्ट कंडीशन भी है, न्यूजीलैंड की पिच है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जबरदस्त खेल दिखाते हुए यहाँ पर बांग्लादेश को 5 विकेट से हार का स्वाद चखाया। हुआ क्या मैदान पर, बारिश के बाद किस तरीके से मैच का रुख पलटा, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश की टीम को चलता किया, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सकें। तो बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच ये था मैच नंबर 25। जहां बात करें ये बांग्लादेश का ये इस लीग स्टेज के मुकाबले का ये 6ठा मैच था। 7वां मैच जो होगा दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निर्णायक होगा इंग्लैंड के खिलाफ। वहाँ पर काफ़ी कुछ उम्मीद रहेगी कि इंग्लैंड की टीम हार जाए, बांग्लादेश किस तरीके से इंग्लैंड को हरा दे, ताकि पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया आराम से सेमीफाइनल का सफर तय कर सके। लेकिन इस मुकाबले में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये था कि क्या बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हरा सकती है। ऐसा हमें आज देखने को मिल सकता था, लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर ने आज पूरी तरीके से मैच को संभाल लिया। हुआ ये दोस्तों कि बरसात हुई बारिश के बाद, जहाँ पे हमें उम्मीद थी कि आज रनों की बरसात होगी, क्योंकि पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैग लैनिंग ने बहुत बड़ी पारी खेली थी 135 रन की 130 गेंदों में। सबको उम्मीद थी कि ऐसी विस्फोटक पारी दोबारा आएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। आज मैग लैनिंग का बल्ला शांत था, लेकिन बारिश की वजह से मैचेस को 43 ओवर तक रिड्यूस कर दिया गया, यानी कि दोनों ही साइड से 43-43 ओवर का मैच कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम पहले यहां पर गेंदबाजी करने उतरी, क्योंकि उन्होंने टॉस जीता था, चेस करने का मन बनाया। बेजिन रिजर्व वेलिंगटन के मैदान पर यह मुकाबला हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया 6 में से 6 मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश बाहर हो चुकी है, अब तो पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, बची कुछ उम्मीदें भी खत्म हो चुकी हैं। लेकिन आज निगार सुल्ताना की कप्तानी में बांग्लादेश की प्लेइंग 11 थी मुर्शिदा खातून, शर्मिना अख्तर, फरजाना होक, निगार सुल्ताना, रुमाना अहमद, रितु मोनी, लता मोंडल, सलमा खातून, फहिमा खातून, नहिदा अख्तर, जहांजा आलम। वहीं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 थी अलायसा हीली, रोशल हाइनेस, मैग लैनिंग, बैथ मोनी, टाइला मैगरेथ, एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, जैस जोनासन, अलाना किंग, मेगान स्कॉट, डेरिसी ब्राउन। अब यहां पर इन्होंने शुरुआत करी बांग्लादेश के खिलाफ तगड़ी गेंदबाजी से। बांग्लादेश की मुर्शिदा खातून और शर्मिन अख्तर ने ओपनिंग करी, जहां पर ये दोनों बल्लेबाजों ने 33 रन तक ओपनिंग करी। 43-43 ओवर का मैच हो चुका था, तो मुर्शिदा खातून 17 बॉल में 12 रन बनाकर आउट होती है। गार्डनर की गेंद पर कैच पकड़ती है हाइनेस, और पहला झटका लग जाता है टीम बांग्लादेश को 33 रन पर। 9वें ओवर की शुरुआत हुई थी और तभी एक झटका लग जाता है। इसके बाद फरजाना होक भी 48 रन पर टीम के दूसरे विकेट के रूप में वापस जाती हुई 22 बॉल में 8 रन बनाकर सदरलैंड की गेंद पर वो आउट होती हैं। कप्तान निगार सुल्ताना से एक बड़ी पारी की उम्मीद थी मिडिल ऑर्डर में, लेकिन 30 गेंदों में 7 रन बनाती हैं, 30 बॉल में 7 रन बनाकर निगार सुल्ताना आउट हो जाती हैं। जोनासन उनका विकेट लेती हैं, टाइला मैगरेथ उनका कैच पकड़ती हैं। लेकिन वही बात करें दूसरे छोर से, मुर्शिदा खातून की साथी खिलाड़ी शर्मिन अख्तर कोशिश कर रही थी एक अच्छे स्कोर तक ले जाने की, लेकिन 58 रन पर तीसरा विकेट जब गिरता है बांग्लादेश का, तो इन्हीं का गिरता है जोनासन, इनको LBW के रूप में चलता करती हैं। 56 बॉल में 24 रन बनाकर शर्मिन अख्तर आउट होती हैं। वहीं निगार सुल्ताना भी 7 रन बनाकर आउट होती है। रुमाना अहमद, लता मोंडल कोशिश करती हैं मैच को आगे बढ़ाने की, लेकिन रोमाना अहमद 45 बॉल में 15 रन बनाती हैं 2 चौके की मदद से। गार्डनर इनका विकेट लेती हैं और कैच पकड़ती हैं जोनासन। वहीं बात करें लता मोंडल की, तो 63 बॉल में 33 रन बनाकर सबसे बड़ी पारी खेलती है बांग्लादेश की तरफ से, और इनका जब विकेट गिरता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि 42 ओवर में इनका विकेट गिरता है, 131 रन बांग्लादेश का स्कोर पहुँच चुका था। इन्होंने 33 रन की पारी खेली, लेकिन स्टंप आउट हो गई थी, आगे बढ़ के छक्का मारने की कोशिश थी। लेकिन सलमा खातून की बात करें तो 23 बॉल में 15 रन बनाकर नाबाद रही। नाहिदा अख्तर 3 बॉल में 3 रन बनाकर, 2 विकेट गार्डनर और जोनासन ने चटकाए। और वहीं बात करें जोनासन ने तो 3 ओवर मैडन भी डाले थे, 9 ओवर में 13 रन देते हुए 2 विकेट चटकाए, वहीं 1-1 विकेट स्कॉट और सदरलैंड ने चटकाई। टोटल 135 पर ही टीम बांग्लादेश का स्कोर रुक गया 6 विकेट के नुकसान पर। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने इतना छोटा स्कोर क्या ही कर रहा था। फिर यहां से शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की आतिशी बल्लेबाजी, लेकिन इनको भी शुरुआती 4 झटके बहुत जल्दी लगते हैं।
लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि विजेता टीम हमेशा अपने आप में कोई ना कोई विजयी रथ को आगे बढ़ाने का रास्ता ढूंढ ही लेती, तो वही हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम हार मानने वालों में से थी नहीं, इन्होंने रास्ता ढूंढा और इनके मिडिल ऑर्डर ने आज कमाल किया। मिडिल ऑर्डर में बैथ मुनी और अनाबल सदरलैंड ने पारी खेली कमाल की। शुरुआत में अलाइसा हीली आई थी और रैशल हाइनेस आई थी। 22 बॉल में 59 अलाइसा हीली ने बनाए थे, सलमा खातून ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया था, जहांदा आलम ने कैच पकड़ी थी। वहीं रोसल हाइनेस ने 23 बॉल में 7 रन बनाकर आउट हो गई थी। बात करें तो 4 विकेट ऑस्ट्रेलिया के भी 41 रन तक ताहिला मैकग्रेथ, रशल हाइनेस, मैग लैनिंग और अलाइसा हीली के रूप में आउट हो चुके थे। मैग लैनिंग कप्तान आज खाता तक नहीं खोल सकी थी, जो इस पूरे सीजन काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करी, टॉप हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। लेकिन बैथ मोनी ने लगभग हर मैच में रन बनाए हैं, अच्छी सिचुएशन पर रन बनाए हैं, बुरी सिचुएशन पर रन बनाए हैं, तो आज भी इन्होंने मैच निकाल कर दिया। अगर एक दो विकेट और गिरता तो ऑस्ट्रेलिया का भी काम तमाम हो जाता, क्योंकि इनके 5 विकेट 70 रन पर हो चुके थे, यानी कि इसके आधा मैच अभी बचा था। भले ही ओवर्स हाथ में थे, 17.4 ओवर का मैच हुआ था, यहाँ से अभी इनके हाथ में 30 ओवर का मैच था, लेकिन यहाँ से बैथ मुनी ने अच्छी पारी खेली, 75 बॉल में 66 रन, यानी 75 गेंदों में 66 रन की पारी खेली और 39 गेंदों में 26 रन की पारी अनाबेल सदरलैंड ने खेली। आश्लीर गार्डनर ने 16 बॉल में 13 रन बनाए थे, रुमाना अहमद ने इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया था। सलमा खातून ने बेहतरीन स्पेल करा, यहाँ पर 9 ओवर में 23 रन देते हुए 3 विकेट इन्होंने चटकाए। ऐसी न्यूजीलैंड की कठिन पिच पर राइट हैंडेड और राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज ये हैं, और जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी काफ़ी काबिले तारीफ वाला काम था, खासकर ऑस्ट्रेलिया के सामने। अलाइसा हीली, रोशल हाइनेस और साथ ही साथ मैग लैनिंग की शुरुआत के 3 विकेट चटकाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी। उसके बाद नाहिता अख्तर और रोमाना अहमद ने एक एक विकेट चटकाकर थोड़ा मैच में और जान फूंकी थी, लेकिन 70 रन पर जब 5वां विकेट गिरा तो उसके बाद दूसरा कोई विकेट गिरा ही नहीं, और यहां से टीम ऑस्ट्रेलिया आसानी से मुकाबले को ले गई बैथ मुनी और इनकी साथी खिलाड़ी अनाबेल सदरलैंड की पारी के दम पर। 5 विकेट से ये मुकाबला जीत लिया। 43 ओवर का ये मैच था, बारिश की वजह से 43 ओवर का हो गया था, 50 ओवर का पूरा नहीं हो सका, लेकिन अब सेमीफाइनल में बड़ी ही शान से ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने तिरंगे के साथ पहुंची है, अपने झंडे के साथ पहुंची है। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया 7ों में से 7ों मैच जीती है, ऑस्ट्रेलिया अब दूसरी ऐसी टीम है जिनके 7 मैच कंप्लीट हो चुके हैं। पहली टीम थी वेस्ट इंडीज़, जिनके 7 में से 3 मैच जीती है, 3 मैच हारी है, 1 मैच रद्द हो गया था, तो उनके 7 पॉइंट हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 14 पॉइंट हैं और प्लस में नेट रन रेट है, इनको हिला पाना इनकी पोजीशन से बहुत मुश्किल है। लेकिन अब सेमीफाइनल में किसके साथ टक्कर होगी ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो इस समय इंडिया टीम 5वें नंबर पे है। सबको उम्मीद है कि इंडिया जरूर सेमीफाइनल में पहुंचेगी, लेकिन अगर इंडिया अगला मैच जीतती है तो आसानी से सेमीफाइनल में होगी, जो कि इनका साथ है। साउथ अफ्रीका का मुकाबला, इंग्लैंड का अगला मुकाबला बांग्लादेश के साथ है, वहां पर बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम को इंग्लैंड आसानी से हरा सकती है, लेकिन इंडिया को अगर पहुंचना है सेमीफाइनल में तो साउथ अफ्रीका जैसी कठिन टीम को हराना होगा। तो पॉइंट्स टेबल साफ जता रहा है कि 3 टीमों के बीच अब जंग है, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और इंडिया, इसमें से कोई 2 टीम पहुंच सकेगी सेमीफाइनल में। वेस्ट इंडीज़ बाहर हो सकती है अगर इंग्लैंड भी अपना मुकाबला जीत जाए और इंडिया भी अपना अगला मुकाबला जीत जाए, बाकी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। तो ये था दोस्तों मैच नंबर 25 का हाईलाइट, उम्मीद करते जानकारी पसंद आई होगी। बात करें इस मुकाबले की वुमेन ऑफ द मैच यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच की, तो कौन बना, वो बनी बैथ मुनी अपनी बेहतरीन पारी के दम पर। नेक्स्ट 9